हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डाटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बना रहता। देखिए आज के डेट पर अभी तक ये शेयर आपका हाई गया है 4200, लो गया है 4050 और आज के डेट पे अभी तक इस शेयर ने लगभग रिटर्न दिया है 2.28% का और अभी इस शेयर का प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹4100। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹37,082.37 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹37,211.78 करोड़ एंड पीई रेशियो है 111.99। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹154.65 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर रहा है वो आपका रहा है 11। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.07। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज़्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹36.59, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.74% एंड आरओसी है 25.83%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 38.32% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 59.58%। ये जो कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 73.15%, डीआई का होल्डिंग है 14.6%, एफआईआई का होल्डिंग है 6.64% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 5.61%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज़्यादा ही है। और एक चीज़ देखिए, ये जो आपका 73.15% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटल एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा आपका रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी ने लास्ट एक साल में आपका रिटर्न दिया है 61.43%, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक अच्छा रिटर्न है। इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 7,474.92% का। ये जो कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे तो देखिए वीकली चार्ट में भी एसीआर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। तो देखिए मंथली चार्ट में भी ए शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहाँ पर जाकर इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर होकर उसके पर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये आपका 4 नवंबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। एंड आज के डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को और एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है, MACD अभी भी आपका 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन MACD का ये जो दो लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में एक आपका क्रॉसओवर होने वाला है, मतलब MACD भी आपका पूरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब डेली चार्ट में ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया हो। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है अगस्त 2022 का फर्स्ट वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो वीक चल रहा है इसी वीक पे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिख रहा है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दिख रहा है। ओके,
तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹4,100, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इस शेयर आपका ₹4,500 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बनाकर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा टेक्निकली कैसा है, कौन सा फंडामेंटल कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।